हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लेटो और लॉक की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको रूसो के बारे में बताने वाली हूँ, इनकी लाइफ हिस्ट्री और इनके वर्क्स के बारे में हम जानेंगे। सो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ रूसो। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी फिलोसोफर की जब हम बात करते हैं तो उनके थॉट्स और उनके आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने फेमस फिलोसोफर बनते हैं। बट रूसो की जो लाइफ थी वो काफ़ी उथल पुथल वाली थी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें थी उनकी लाइफ में जो जानेंगे हम। देखिए, जीन जैक्स रूसो की हम बात कर रहे हैं। उनका बर्थ 28 जून 1712 में हुआ था जेनेवा में। उनके फादर जो थे वो रिलीजियस एट्रोसिटीज़ की वजह से फ्रांस से भागकर जेनेवा चले गए थे। रूसो का जब जन्म हुआ था, उनकी मदर की डेथ हो गई। रूसो के फादर वॉच मेकर थे, ठीक है, बट उनका जो इंटरेस्ट था वो डांस में ज़्यादा लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। उनका जो नेचर था, रूसो के फादर का जो नेचर था, वो काफ़ी अनएजुकेटेड थे। कैरेक्टर भी उनका कुछ इतना खास नहीं था। अपने बच्चे को भी वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, ठीक है। जब रूसो सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके पापा ने मतलब किसी से झगड़ा मोल ले लिया था और उन्हें बहुत बुरी तरह घायल भी कर दिया था, जिसके उन्हें फिर सज़ा मिली। उन्हें जेनेवा छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद रूसो की परवरिश उनके चाचा ने की, ठीक है। मदर उनकी पहले ही डेथ हो गई थी, पापा छोड़ के चले गए थे, तो अब उनकी जो जितनी परवरिश आगे की परवरिश चाचा ने करी थी। 2 साल तक उसके चाचा ने उन्हें शिक्षा के लिए यानी एजुकेशन के लिए बाईसी नगर में भेजा, ठीक है। इसके बाद वापस जेनेवा लाए गए थे वो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ यहाँ पर उन्हें डिगिंग का काम सिखाने लग गए। उन्होंने एक पर्सन के पास उन्हें भेज दिया था, ठीक है। बट वो जो वो पर्सन था ना, वो बहुत ही बुरी तरह रूसो को पीटा करते थे, ठीक है। एक दिन ऐसा आया कि रूसो ने वहाँ से भी भाग के चले गए थे। उसके बाद रूसो फ्रांस चले गए। वहाँ पे वो घूमते रहते थे, या तो छोटी मोटी चोरियाँ भी वहाँ उन्होंने करी। जो भी वो काम करते थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था, या तो वो खुद ही छोड़ दिया करते थे। और इन दिनों रूसो एक कैथोलिक प्रीस्ट के कांटेक्ट में आए, जिन्होंने उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, ठीक है। अब 1750 में रूसो की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, जिसके बाद उसकी लाइफ में एक रिवॉल्यूशनरी मोड लिया, ठीक है। वो फेमस फिलोसोफर दिद्रो से मिलने एक दिन जा रहे थे, तब सड़क पर ही उन्हें रास्ते में एक न्यूज़पेपर मिला, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या देखा, एक एकेडमी थी, एकेडमी ऑफ डी जॉन, उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था, एक ऐड उसमें दे रखी थी। वो किस सब्जेक्ट पे थी, साइंस और आर्ट के बारे में। उस पर लिखा था कि साइंस और आर्ट की वजह से मोरालिटी ख़त्म हो गई है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हर चीज़ में कंपटीशन है, हर किसी को आगे बढ़ने की होड़ है, इन सब से मोरालिटी ख़त्म हो रही है। ये सब पढ़ के रूसो की जो माइंड है, माइंड में इतने क्वेश्चंस उठे, इतने उनका एक होता है, उनका जो रिवॉल्यूशनरी थॉट्स है वो फूट पड़े। रूसो ने अपनी जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो अपने रिवॉल्यूशनरी थॉट्स से ही लिखे हैं, ठीक है। रूसो ने ये प्रूव किया कि आर्ट और साइंस ने ही ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। वो बताते हैं कि पहले के जो सोसाइटी थी, पहले समाज में कैसे रहते थे लोग, सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत खुश रहा करते थे। बट जैसे जैसे ये कंपटीशन, ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, वैसे वैसे बुराइयाँ भी बढ़ने लगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वर्क्स ऑफ रूसो। Discourses on the Moral Effects of the Arts and Sciences, 1751. Discourses on the Origin of Inequality, 1755. Economic Politique, 1755. Social Contract, ये बहुत important है, 1762. Letters de la Montaigne, 1764. The Email, 1762. Confessions, okay.
ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के वीडियो में हमने रूसो की लाइफ हिस्ट्री जानी और उनके कुछ वर्क्स जाने। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।